नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आइज कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम डिस्कस करते हैं नायब तहसीलदार से रिलेटेड। जैसा आप जानते हैं, एचसीएस का अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुआ है और एचपीएससी अभी काफी एक्टिव मोड में है। बहुत जल्दी ही नायब तहसीलदार का एग्जाम होने वाला है। कल ही नोटिफिकेशन आया है, एक स्पेशल नोटिफिकेशन एचपीएससी की तरफ से नायब तहसीलदार से रिलेटेड। उस नोटिफिकेशन में क्या है वो थोड़ा सा एक बार रीड कर लेते हैं और फिर कुछ सिलेबस चेंज हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या है। तो ये देखिए, जो नायब तहसीलदार है किससे रिलेटेड, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा से रिलेटेड। उसके लिए पहले भी फॉर्म मंगाए जा चुके थे, फिर 2018 में आए थे। कहना मतलब पिछले कई सालों से ये वैकेंसी है, इसका एग्जाम है, वो रुका हुआ है। अभी क्या है कि एचपीएससी एक्टिव मोड में है, अभी एग्जाम हो रहे हैं, तो इसलिए इसका टेस्ट है वो बहुत जल्दी ही कंडक्ट करवाया जाएगा। और साथ में क्या है कि वॉइस मतलब इंट्री होगा, तो टेस्ट होगा और उसके बाद इंट्री होगा। कोई मेंस या इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं है जैसे एचसीएस में होती है। और जो उसका सिलेबस है, पहले कुछ और था, हालांकि ये सिलेबस तीसरी बार चेंज हो रहा है इसका सिलेबस। और क्या है, अकॉर्डिंगली द सिलेबस फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी एज अंडर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या, स्कीम एंड शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन द कमीशन वेबसाइट इन नियर फ्यूचर। बहुत जल्दी ही इसकी जो वास्तव में क्या क्या आएगा एग्जाम में और ज्यादा डिटेल में और इसकी डेट कब है एग्जाम की वो बता दी जाएगी। तो ये सिलेबस है वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको मैं, जिससे आप समझ पाए क्या है सिलेबस, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। 100 क्वेश्चन होंगे और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पहले होना था, अब वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं होगा, तो वो पेपर बिल्कुल भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का होगा, विद टोटल ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर, 2 घंटे में, मतलब 120 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन करने। जनरल अवेयरनेस, और क्या क्या आएगा इसमें, जनरल अवेयरनेस होगी, जनरल अवेयरनेस में इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा। पहले हरियाणा इसमें इंक्लूड नहीं था, अब हरियाणा भी इंक्लूड है। 5, 7 या 10, 20 क्वेश्चन जितने भी है हरियाणा के पूछे जा सकते हैं जनरल नॉलेज के साथ में। रीजनिंग एबिलिटी आएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा और जनरल इंग्लिश आएगी। कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि जैसे एसएससी सीजीएल का पैटर्न होता है, उसी तरह के पैटर्न पे ये क्वेश्चन है पूछे जाने हैं। अब क्वेश्चन, और इसमें क्या है कि पेपर बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश में होगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कई बार क्या है बच्चे खुश हो जाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। जितनी वैकेंसी होती है सिलेक्शन तो उतना ही होना है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो कट ऑफ हाई चले जाएगी। अगर क्वेश्चन पेपर आसान आता है तो वो कट ऑफ हाई चले जाएगी। तो आसान पेपर या डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर डिफिकल्ट पेपर आता है तो कट ऑफ लोअर चल जाएगी। आसान क्वेश्चन पेपर आना या डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आना या नेगेटिव मार्किंग न होना, ये कोई ओवरऑल वैकेंसी थोड़ी बढ़ा रहे हैं। ये तो सिर्फ क्या है कि आपके समझने के लिए कि आप पेपर को कैसे समझें और कैसे अटेम्प्ट करें, मतलब कि आपको कोई क्वेश्चन है वो छोड़ना नहीं है। बेशक आपके पास वो गलत भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मैथ आ रहा है, इसमें रीजनिंग आ रही है, तो ये यहाँ पे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हालांकि 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम है, तो एक अच्छा खासा रीजनेबल टाइम है। लेकिन जिस बच्चों को मैथ और रीजनिंग नहीं आ रही है ज्यादा या इंग्लिश नहीं आ रही है, फिर एक चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी कि सीधा उनको उन स्टूडेंट के साथ भी मुकाबला करना है जो एसएससी सीजीएल की काफी समय से या अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं। तो मैथ है, रीजनिंग है यहाँ पे, और इंग्लिश है, वो गेम चेंजर होने वाली है। हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इसका कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप एचपीएससी नायब तहसीलदार का एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे समय से आप इंतजार भी कर रहे होंगे इसका, स्टूडेंट को किन बातों पे फोकस करना चाहिए। तो एक, जैसे कि पहले आपको ये समझने की जरूरत है, नो डिस्क्रिप्टिव, इसका मतलब वो टेंशन है एक आपको खत्म करनी चाहिए। नो नेगेटिव मार्किंग, इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली ये हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है, हाई स्कोरिंग पेपर होने वाला है, तो यहाँ पे सारे अटेम्प्ट बहुत जल्दी जल्दी फटाफट अटेम्प्ट करने वाले हैं, करना चाहिए। मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये जो 3 सब्जेक्ट है पहले वाले, ये वास्तव में गेम चेंजर होने वाले हैं। ये गेम चेंजर क्या हुआ, जैसे एचसीएस के एग्जाम में गेम चेंजर क्या था, सी सेट था। जिस बच्चे ने ज्यादा जीके पढ़ी और जिस बच्चे ने कम जीके पढ़ी उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन जिस बच्चे ने सी सेट को इग्नोर किया वो कंपटीशन से बाहर था वहां पे। मैं दोबारा स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी की है और किसी एग्जाम की और की तैयारी की है उसने, और बहुत ज्यादा डीप में उसने पढ़ रखा है, एचसीएस के एग्जाम दिया उसने, और जिस बच्चे ने इतना गंभीरता से कोई जीके नहीं पढ़ी उसने
और थोड़ा सा आखिरी दिनों में पढ़ लिया उसमें, और जो गंभीरता पढ़े उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि बहुत इजी पेपर था, इजी पेपर था, ज्यादातर क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे सोल्व कर पा रहे थे। जो क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो बाय हाथ क्वेश्चन थे वो ज्यादातर लोग नहीं कर पा रहे थे, तो इसका मतलब उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन सीसेट ने एक गेम चेंजर था, जिस बच्चे ने सीसेट को इग्नोर किया या सीसेट से नफरत करता था या सीसेट के प्रति नेगेटिव अप्रोच थी उसकी, वो बच्चा है वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाया। और जिसने सीसेट को बहुत गंभीरता से लिया, एज ए गेम चेंजर लिया, वहां पे प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट किए, ठीक है, और हमने भी वहां पे क्या है कि एचसीएस के आखिरी दिनों में यूट्यूब पे बहुत सारे सीसेट से रिलेटेड एक्टिविटी कराई थी, बहुत सारे स्टूडेंट को सेंसिटाइज भी किया था कि सीसेट गेम चेंजर होने वाला है। जिन्होंने उस चीज को एडवाइस को लिया तो बहुत सारे बच्चों ने लिया और बड़े खुश हैं। कुल मिलाकर क्या है कि एचसीएस का जो पेपर है बच्चे इसमें आमतौर पर ज्यादा खुश है। उस तबके को छोड़ दिया जाए जो कि हमेशा रोना रोता रहता है कि मैं 4-5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सीसेट कमजोर है, तो उसको तो हमेशा कमजोर ही रहना है, उसके लिए तो इस पेपर में भी कुछ नहीं है, उसके लिए तो इस पेपर में भी कुछ नहीं है कि यहाँ पे भी मैथ रीजनिंग इंग्लिश और ये चीजें तो आनी जरूरी है, ठीक है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश यहाँ पे गेम चेंजर होने वाला है। तो क्यों होने वाला है? क्योंकि मैथ में बच्चे पूरा स्कोर कर देंगे, रीजनिंग में पूरा स्कोर कर देंगे, इंग्लिश में भी बहुत सारे बच्चे पूरा स्कोर कर देंगे। तो ये तीन सब्जेक्ट है, और मान लो 25-25 स्कीम ऐसी होती है एग्जाम की कि 25 क्वेश्चन मैथ है, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीके। अगर बाय चांस ऐसा आ गया तो 75 में से कई बच्चे तो 75 में 70, 72, 73 इतना स्कोर कर देंगे, और 25 जो क्वेश्चन है वो इतने ज्यादा मुश्किल तो आ नहीं रहे, तो इसका मतलब 15-20 तो वहां पे कर देंगे, तो स्कोर तो 90+ चला गया। और अगर जीके थोड़ा 25 के बजाय आ जाता है, मान लो 40 नंबर का या 45 नंबर का या 50 नंबर का, तो बाकी है वहां पे भी पूरा स्कोर हो जाएगा। और इसमें भी क्या कि अच्छा खासा, क्योंकि अभी एचसीएस का एग्जाम और बच्चों ने तैयारी की होगी, तो वही आमतौर पर जो एचसीएस का एग्जाम दे रहे हैं वो भी नाइन्थ शिलर का भी बहुत सारे दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाई स्कोरिंग पेपर होने वाला है ये, इसलिए स्टूडेंट को पहले ध्यान रखना चाहिए कि टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इसमें भी, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश की वजह से। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस टू इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये आपका बेसिक मंत्र होना चाहिए। इस बेसिक मंत्र से कोई हट जाता है और इसी बात का ही रोना रोएगा कि मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, भाई 50 साल से तैयारी करता रहे, सारी उम्र तैयारी करता रहे, उसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो समझ नहीं रहा कि चाहिए क्या। वो जो बदलता ट्रेंड है या बदलता जमाना है उसको फॉलो करने के बजाय वो इस बात में फक्र महसूस कर रहा है कि वो 5 साल से तैयारी कर रहा है। 5 साल से नहीं, 50 साल से तैयारी कीजिए, आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पा रहे जो चीज चाहिए। वेरी हाई चांसेस, जैसे मैंने बताया, हाई स्कोरिंग का होगा। तो आपने मुद्दे समझ लिए होंगे मैथ में क्या क्या चीजें होती है। मैथ में पूरा अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री भी पढ़नी है आपको, मेंशुरेशन भी पढ़ना है आपको, अलजेब्रा भी आना चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस आने चाहिए। तो ये सारी चीजें जरूर आना है, नंबर सिस्टम से लेकर, नंबर सिस्टम है, इंडाइसिस है, सर्ट्स है, एचसीएफ है, एलसीएम है, एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, वर्क एंड टाइम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, वेजेस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मोटे तौर पर मैंने बता दिया कितने सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इस तरह से रीजनिंग में भी लगभग 25 के आसपास चैप्टर होते हैं, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए कि क्वेश्चन आ सकता है या हो सकता है 2-3 चैप्टर से एक क्वेश्चन आए, कई बार ऐसा भी होता है कि चैप्टर से क्वेश्चन आए, लेकिन आपको सारी चीजें आनी चाहिए। तो अच्छे क्वालिटी की प्रैक्टिस होना आपके लिए जरूरी है। इंग्लिश में पूरी ग्रामर भी आना जरूरी है और वोकैब भी आना जरूरी है, क्योंकि दोनों चीजें कई बार क्या स्टूडेंट है मेन मेन चीजें कर लेते हैं, भाई मेन मेन चीजों से क्या आप खुश हो सकते हैं, सिलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ सकते। आपको क्या लगता है कि अगर आपने कुछ दिन में 60 स्कोर कर लिया तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा? आपको खुश हो जाएंगे कि आपने मेन मेन चीज कर ली और 60 नंबर तो ले लिए, 60 से ऊपर बढ़ाना ही तो मुश्किल है, 80 से क्रॉस करना ही वास्तव में आपका सिलेक्शन की तरफ इंडिकेट करेगा। क्योंकि अगर 70 पोस्ट है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो 3 गुना बुलाएंगे इसके लिए, अगले राउंड के लिए, फाइनल राउंड के लिए 3 टाइम्स है वो बुलाएंगे, तो 3 गुना का मतलब ये हुआ तो ये हो जाता है फिर कि वो लगभग 200-250 कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो इसमें आने के लिए आपको अच्छा खासा स्कोर होना जरूरी है। अब आ जाते हैं कि फ्रंट ईयर आईएएस आपकी कैसे मदद कर सकता है। हमारे कुछ क्लासेस यूट्यूब पे होते हैं, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर सीरियस प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि 60-70-80 नंबर यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है, सिलेक्शन के लिए बहुत गंभीर प्रयास चाहिए, वो अगर सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करेंगे तो आपको काफी फर्क पड़ेगा। और ये मैटर नहीं कर रहा कि आपने 4-5 साल से कितनी तैयारी की है, मैटर ये करेगा 30-40 जो आप दिन बच गए वो कितने ज्यादा गंभीर है, उसमें वहां पे आपने क्या कितनी गंभीरता दिखाई है और कितना समझ कर सिलेबस को समझ कर तैयारी की है।
अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैटर क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग सिलेबस रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम और टेकिंग क्विक एक्शन। तो अगर आप रिजिड है इंग्लिश मैथ रीजनिंग तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये नुकसानदेह हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट हमने देखे हैं एचसीएस में बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, मैथ करना ही नहीं है, रीजनिंग करनी नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन करना नहीं है, सीसेट करना ही नहीं है, साइंस भी नहीं करनी है, दो तीन सब्जेक्ट हिस्ट्री और उसके पीछे घूमते रहेंगे और फिर बोलेंगे पांच साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो गया, हम तो आर्ट्स के स्टूडेंट है। भाई अन्याय क्यों हो गया, आप दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हो क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हो चीजों को, कौन ऑफिसर बनाएगा। तो लास्ट 30-40 दिन अब बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले, स्पीड और एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है और प्रैक्टिस और ओनली टेस्ट है वही आपका सॉल्यूशन होगा। फ्रंटियर आईएएस कैसी मदद करेगा, 8 अप्रैल से हम ऑनलाइन कोचिंग बैच जिसमें कि हम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, डाउट क्लियर सपोर्ट होती है, टेस्ट होते हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा मैथ के अलग से टेस्ट, रीजनिंग के अलग से टेस्ट, इंग्लिश के अलग से टेस्ट, क्योंकि हमारा एसएससी सीजीएल पे बहुत ज्यादा कमांड। आपको शायद पता होगा कि ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग एक मार्केट लीडर हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं जो कि इस तरह की चीजों की तैयारी करवाता है और एक्सपर्टाइज है। तो फास्ट ट्रैक कोर्स होगा, 40 दिन का डे वाइज शेड्यूल होगा, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और उसके बाद जो मैथ रीजनिंग अलग अलग सेक्शन वाइज भी टेस्ट होंगे जिससे आप अपने आप को परफॉर्मेंस को बेटर कर सके। ऑनलाइन पोर्टल पे होगा, ऑनलाइन पोर्टल पे क्यों जरूरी होता है, कुछ बच्चे हैं हमने उसमें भी देखा सीसेट के दौरान वो पीडीएफ पे ज्यादा विश्वास कर रहे थे और वो क्यों कर रहे थे, वो डरते थे कि जब ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे करेंगे उनके वो एक्सपोज हो जाएंगे, तो रियल एग्जाम में भी तो एक्सपोज होंगे, क्योंकि जब तक ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे टाइम बाउंड के अनुसार टेस्ट नहीं करेंगे, टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी नहीं। आप खुश हो जाइए पीडीएफ पढ़ते पढ़ते आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने एक रियल जो एक्सपीरियंस होता है एग्जाम का वो एक्सपीरियंस तो लिया ही नहीं, वो एक्सपीरियंस नहीं लिया, आपने जो बाउंडेशन होती है टाइम की कि आपकी घड़ी चल रही है, टिक 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 कर रही है और आपको फटाफट सोल्व करना है, वो प्रेशर हैंडल नहीं किया और वो 100 क्वेश्चन जो 2 घंटे में करने थे आप 5 घंटे में कर रहे हैं, उसका फायदा नहीं हो रहा है। तो समझिए कि टाइमिंग के अंदर टेस्ट करना और प्रैक्टिस करना एमसीक्यू फॉर्मेट पे वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वही एक्चुअल में फैसला करता है, ठीक है। बाकी तो आमतौर पर स्टूडेंट ज्यादा फर्क होता नहीं है उसमें, ज्यादा फर्क होता नहीं है। तो अगर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं baljeedhaga.com, ये प्रीमियर आईएएस की वेबसाइट है उस पे जाइए और ये मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं, ये ईमेल नंबर है, 9 से 5 बजे और मंडे सैटरडे ये टीम हमारी काम करती है, आप इस दौरान कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या सीधा जाकर खरीद सकते हैं। कोर्स भी है 4000 जिसमें मैथ है, रीजनिंग, इंग्लिश की सारी चीजें कवर कराई जाए इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, और जो सिर्फ टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, 20 टेस्ट होंगे जो कि जो एग्जाम पैटर्न है उसी के अनुसार होंगे, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस कि आपको कैसे बेटर तैयारी कर सकते हैं, फ्रंटियर आईएएस आपकी तैयारी कैसे करवा सकते हैं, बहुत सारे लेक्चर है वो यूट्यूब पे भी होने वाले हैं, उसका भी आप फायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।